हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की क्लास नंबर 16। इससे पहले मैंने ट्रांसलेशन के 15 वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, जाके आप प्लेलिस्ट पे एक बार चेकआउट कर लें। सारे वीडियो का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट लेवल है। मैंने आपको ट्रांसलेशन के वीडियो में ये बताया कि आप कैसे बड़े से बड़े वाक्यों को पढ़ के उसमें टेंस को पहचानने में कौन सा तरीका लगाना है टेंस पहचानने के लिए। उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन का वीडियो नंबर 16। वीडियो नंबर 16 में पहली लाइन लिखी है, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। यह बात जो है कि एक प्रेजेंट की बात भी है और बात यह है कभी ना चेंज होने वाली बात है, तो इसको यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में लेंगे। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के लोग के होगी पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल, एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद लिखा, वे एक कुशल शासक थे। ये गलत प्रिंट हो गया, शासक थे, कुशल शासक की इंग्लिश होती है, कुशासक की इंग्लिश होती है एडमिनिस्ट्रेटर, और कुशल की होती है इफिशियंट। तो उसकी इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही, उनकी क्वालिटी की बात हो रही है, जहां पे क्वालिटी की बात होती है वहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ही वॉज, एन लगाएंगे क्योंकि ई का जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, He was an efficient administrator. उसका इसमें लिखा हुआ है, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। तो उनके पास की क्या होगी, ये भैया उनकी क्या है, ये कब की बात है, ये पास्ट की बात बताई जा रही है कि उनके पास जो इनकी क्वालिटी थी उसकी बात होगी, पास्ट की बात हो रही है। तो ये काम किस में होगा, परफेक्ट में होगा। तो क्या लिखेंगे, ही हैड द एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजिशन, POSITION। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अगली लाइन, इसके अगली लाइन में लिखा, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। यहाँ पे ले कर देना है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, दृढ़ता मतलब होता है जो डिसीजन एक बार ले लिया उसको चेंज ना करना, सोच समझ के एक बार डिसीजन ले लेना, फिर बार बार अपने डिसीजन को ना चेंज करने को बोलते हैं दृढ़ता से। तो हो जाएगा, ही यूज्ड, पास्ट की उनकी हैबिट है तो यूज्ड टू टेक, निर्णय की होती है डिसीजंस, DECISION, डिसीजंस, फिर्मली मतलब होता है दृढ़ता से। सरदार पटेल हमारे देश को के गौरव हैं, सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो सरदार पटेल की क्वालिटी शो हो रही है, तो गौरव अभी जो इनके ये गौरव हैं ये अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट में, तो लिखेंगे सरदार पटेल इज द प्राइड, प्राइड मतलब होता है गौरव, प्राइड ऑफ आवर कंट्री, तो इसी के साथ यह ट्रांसलेशन नंबर 16 समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आपको यह ट्रांसलेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस ट्रांसलेशन में कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए
थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।